ये जो एक मसला है, और जैसा कि जस्टिसेस ने भी बोला कि आप कॉम्पनसेशन की कीमत कुछ भी कर दें, वो इलाज नहीं है, दरअसल वो सीधा सीधा उपाय नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी की जरूरत ज़्यादा हो जाती है। आपको नहीं लगता कि मैक्स और तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं उनको एक CSR की तरह ये लेना चाहिए, अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये लेना चाहिए कि इस तरह के सर्वाइवर्स यदि उनके पास आते हैं तो उसका इलाज वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, तब तक जब तक कि वो उनका शेप या उनकी उनके उनके ऊपर जो ये घटना दुर्घटना हुई है वो इस लायक नहीं हो जाए कि समाज में एक आम जीवन जीने लगे। वो क्यों वेट करते हैं कि पुलिस दे या फिर वो खुद अपने पैसे से आके इलाज कराएं? इतना तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अपनी तरफ से कर सकते हैं। इसमें आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल फिलॉसफी की बात आ जाती है। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो सोसाइटी के बाहर नहीं है, वो सोसाइटी का पार्ट ही है। तो अगर हम हॉस्पिटल से ये एक्सपेक्ट करते हैं तो पूरी सोसाइटी से एक्सपेक्ट करना भी कोई बुरी बात नहीं है। द होल सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड एंड डू द सेम थिंग। एज फार एज ऑर्गेनाइजेशनल दिस थिंग इज कंसर्न, आई थिंक आई हैव वर्क्ड इन टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ। दोनों में फ़र्क है। एक में जो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, उसमें वो अपने ढंग से सोचते हैं, उसको अपने ढंग से अप्लाई करते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ढंग से अप्लाई करती है। As long as they are following the guidelines which are given by the country and Supreme Court, I think they are all correct. अब ये corporate social responsibility सिर्फ organization की क्यों, individual की क्यों नहीं? मेरी अपनी corporate social responsibility भी है, उसके तहत मैं free treatment देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या ये भावना extend करेगी उन सारे दायरे में जो उसकी treatment के लिए ज़रूरी हैं? क्या pharma company will आगे आएगी अपना medicines free देने में? क्या जो हमें ड्रेसिंग एड्स चाहिए वो वाली कंपनी सामने आएगी फ्री देने में? तो ये जो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी इंडिविजुअल पे आ जाती है कि इसमें कोई हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी या लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, दैट इज प्रॉब्ली द इशू। आई थिंक एट द एंड मैं जो इसमें कहना चाहूँगा वो ये है कि ये सब लोग सोसाइटी का फेलियर की निशानी है। आई थिंक वी एज अ सोसाइटी हैव फेल्ड। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके, और पहला फेलियर ये कि घटना हुई, दूसरा फेलियर ये कि जिस तरह से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तीसरा फेलियर ये न्याय नहीं मिला कि वो रिहैबिलिटेशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहा, और चौथा फेलियर ये कि जब वो अपने न्याय के लिए बात करते हैं तो हमें भी उस पर बहस कर रहे हैं और उस पर काम नहीं कर रहे। सो अगर फेलियर के ऊपर फेलियर अगर हम करते जा रहे हैं एज ए सोसाइटी, तो आई डोंट थिंक वी हैव अ लेग टू स्टैंड अपॉन और वी शुड बी इवन डिबेटिंग। We should be looking to come together on a platform and finding ways and means of putting them back on their feet. So, my suggestion to Chandrahas is that you should not call his organization survivor. You should be calling them as heroes. बिल्कुल. They are not the victims. They are the heroes of the whole.